रूबीना दिलेक को ही मिलने वाली है सबसे ज्यादा लाइमलाइट। आखिर किस वजह से ये खबरें जो हैं वो इतनी ज्यादा बाहर आ रही हैं, और आखिर ऐसी कौन सी बाजी है जो रूबीना दिलेक ही मारने वाली है, और या फिर यू कह लो कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसमें रूबीना दिलेक का नाम जो है इतना ज्यादा आगे आ रहा है कि रूबीना दिलेक जो है वो रॉक करने वाली है। तो किस वजह से ये खबरें आ रही हैं और क्या क्या बातें हैं जो उनके साथ उनके लिए हो रही हैं, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। रूबीना दिलेक जब से बिग बॉस के घर से बाहर आई हैं, एक चीज़ बहुत साफ है कि उनको जनता ने बहुत पसंद किया है। एक एक अलग लेवल का प्यार रूबीना को मिला है। और अभी भी खबरें तो ये भी आ रही थी कि रूबीना जो है वो लॉकअप टू में एज अ वार्डन देखी जा सकती हैं, लेकिन इन सारी खबरों को फिलहाल अगर साइड में रखा जाए तो बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद रूबीना को जनता ने जिस लेवल का प्यार दिया ना वो बहुत काबिल तारीफ था। और बाहर आने के बाद उन्होंने एक फिल्म की अर्ध राजपाल यादव के साथ, और वो मूवी लोगों को इतनी पसंद आई कि रूबीना को इतना ज़्यादा प्यार मिला कि अब इस मूवी का सीक्वल आने वाला है। और आपको बता दूं कि अर्ध में राजकुमार राजपाल यादव ने एक ट्रांसजेंडर का रोल किया था, जिस वजह से जो उन्होंने कैरेक्टर किया उस वजह से उनकी सबने तारीफ की थी, सब लोगों ने। और आपको बता दें इस बार दोबारा से, और उसमें रूबीना भी थी लीड कैरेक्टर में, और इस बार रूबीना दिलेक जो है अर्ध जिंदगी, ये अर्ध का सीक्वल आ रहा है, पार्ट टू आ रहा है, जो बिगर और बेटर होने वाला है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसमें पंकज त्रिपाठी देखे जा सकते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखे जा सकते हैं। तो अब ये तो खबरें ही हैं अभी तक, इन चीज़ पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ अभी हाल ही में पलाश मुच्छल जो इस फिल्म का डायरेक्टर है उन्होंने इस चीज़ का कन्फर्मेशन दिया है कि ये जो मूवी है अर्ध जिंदगी वो बिगर और बेटर होने वाली है। लेकिन जब उनसे एक सवाल पूछा गया, आज क्वेश्चन आंसर राउंड खेल रहे थे वो भी इंस्टाग्राम पे, ये आप देख सकते हो, ये सवाल उनसे पूछा गया है, उनसे पूछा कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रूबीना को इस फिल्म में ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा, जिस पर पलाश लिखते हैं येस एब्सोल्युटली, और जिस पर लोगों का रिप्लाई है कि अच्छा किया पूछा, कम से कम पता तो चला यार, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग यू। फिर कोई लग रहा है कि वाओ कांट वेट, फिर कोई लग रहा है कि भाई रूबीना फाइनली यार, मतलब अब किसी मूवी में रूबीना को इतने समय बाद देखने का मौका मिलेगा। फिर कोई लग रहा है कि फाइनली सबसे बिगेस्ट मूवी अर्ध का अब सीक्वल आ रहा है, अर्ध टू। फिर कोई लग रहा है कि अरे इसमें नवाजुद्दीन और पंकज भाई भी हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो फिर कोई लग रहा है कि भाई रूबीना दिलेक इज़ द क्वीन, और कोई लग रहा है अभी यार ये चीज़ अब एक काम करते हैं, ये ट्रेंड करवा देते हैं एलिगेंट विद रूबीना। और फिर कोई लग रहा है कि और एक्साइटमेंट लेवल आफ्टर हियरिंग टू बिग न्यूज़ इज जस्ट ऑन डिफरेंट लेवल, अर्थ इज गोइंग टू बी बिगर, अर्थ इज गोइंग टू बी बिग देन बिगर, शूटिंग टू स्टार्ट सून। फिर उसके बाद रूबीना दिलेक टू गेट मोर स्क्रीन स्पेस, भाई आज तो दिन ही बन गया, मतलब क्या ही बोले। फिर को लग रहा है कि अ क्वीन हु बोट टू नो वन, अ क्वीन हु हैड फेस्ड ऑल अप डाउन एंड ट्रम्प्ड, अ क्वीन हु ओन्ड हर बॉडी हर लाइफ हर डेस्टिनी एंड नेवर अपोलोजाइज फॉर इट, दैट्स रूबीना दिलेक। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस मूवी को लेकर, ज़रूर बताएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूस के साथ। धन्यवाद।